हिंदू धार्मिक पुराणों के अनुसार इस सृष्टि के चार युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री हरि विष्णु ने त्रेता युग में ही श्री राम का अवतार लिया था। अपने वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अपने पिता महाराज दशरथ का पिंडदान करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। पिंडदान और पूजा के लिए जरूरी सामग्री लेने श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले गए। जब काफी समय बीतने के बाद भी दोनों लौट कर नहीं आए, तब माता सीता ने यह निर्णय लिया कि वो वहां उपलब्ध सामग्री से ही मुहूर्त रहते पिंडदान करेंगी। इस पिंडदान के लिए माता सीता ने फाल्गु नदी, वट वृक्ष, कौवे, गाय और ब्राह्मण को साक्षी बनने को कहा। माता ने पिंडदान सफलता पूर्वक सम्पन्न किया। जब दोनों भाई लौट कर आए और प्रभु श्री राम ने क्रोधित होकर सबसे पिंडदान के बारे में पूछा, तब वट वृक्ष के अलावा सभी साक्षियों ने झूठ बोला। माँ सीता ने बाकी साक्षियों से नाराज होकर उन्हें श्राप दिया। चलिए बताते हैं दशरथ के पिंडदान के बाद माँ सीता ने किन पांच चीजों को श्राप दिया था। फाल्गु नदी। माता सीता ने फाल्गु नदी को ये श्राप दिया कि तुम सिर्फ नाम की ही नदी रहोगी और तुम में कभी भी ढंग से जल नहीं बहेगा। आज के कलयुग में भी फाल्गु नदी अपर्याप्त जल की समस्या झेलती है। गाय। माँ सीता ने गाय को ये श्राप दिया कि पूजने होने के बाद भी उसे हमेशा जूठन खाना पड़ेगा। आज के युग में तो गाय बेहद चिंतनीय स्थिति में रहती है और शहरों में बचा हुआ खाना खाने को मजबूर होती है। ब्राह्मण। पिंडदान का साक्षी होने के बावजूद श्री राम के सामने झूठ बोलने के कारण माँ सीता ने वहाँ मौजूद ब्राह्मण को ये श्राप दिया कि तुम्हें जीवन में कितना भी मिलेगा, तुम्हारी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। आज के युग में भी ब्राह्मणों को इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। कौवा। माता ने कौवे को श्राप दिया कि तुम्हारे अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और तुम्हारी आकस्मिक मृत्यु होगी। तो ये हैं वो चीजें जिनको माता सीता ने श्राप दिया था। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।